Hello students, in today's video we will revise some exercises. First, choose and write the correct answer. First question is, amoeba uses its dash to ingest food. Amoeba food ko ingest karne ke liye kya use karta hai? First, tentacles, pseudopodia, tongue ya fir hand. Answer will be pseudopodia. Pseudopodia is also known as false food. Amoeba जब किसी food particle को sense करता है तो वो अपनी body में कुछ projections बनाता है and उन projections को pseudopodia कहते हैं. Second, the process of taking food into the body is called. आपको उस process का नाम बताना है जिसके through हम food को body के अंदर लेते हैं. Answer will be ingestion, B. Ingestion, okay. Mastication का मतलब होता है food को break करना. Peristalsis का मतलब होता है जब food हमारे food pipe से pass होती है तो food pipe में क्या होती है, कुछ contractions and relaxation होते हैं. उस contraction and relaxation को peristalsis बोलते हैं. Egestion means body से undigested food को बाहर निकालना. बट इस क्वेश्चन में बॉडी के अंदर फूड लेने की प्रोसेस को पूछा गया है तो आंसर क्या होगा, इंजेशन. थर्ड इज ह्यूमन हैव डैश टीथ. ह्यूमन में टू सेट्स ऑफ टीथ होते हैं, अपर जॉ एंड लोअर जॉ. अपर जॉ में 16 टीथ एंड लोअर जॉ में भी 16 टीथ होते हैं. नेक्स्ट इज डैश आर यूज्ड फॉर द टीयरिंग ऑफ फूड. फूड को टीयर करने के लिए कौन से टीथ का यूज़ किया जाता है? ऑप्शंस आर इंसाइजर, मोलर्स, कैनाइन एंड प्री मोलर्स. आंसर विल बी कैनाइन. कैनाइन को यूज़ करके फूड को टीयर किया जाता है. क्वेश्चन नंबर 5, बाइल इज फॉर्म्ड इन. बाइल कहाँ बनता है? तो बाइल लिवर के अंदर बनता है, ठीक है. क्वेश्चन नंबर 6, द डैश इज द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम. हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम का लॉन्गेस्ट पार्ट कौन सा है? स्मॉल इंटेस्टाइन है. आंसर क्या होगा, सी, स्मॉल इंटेस्टाइन. स्मॉल इंटेस्टाइन हाईली कॉइल स्ट्रक्चर होती है, ठीक है, एंड ये 10 मीटर तक इसकी लेंथ हो सकती है. क्वेश्चन नंबर 7, ऑल द एनिमल्स हु च्यू कड आर कॉल्ड. उन एनिमल्स को बताने हैं जो कड को च्यू करते हैं. तो कड को च्यू करने वाले एनिमल्स कौन होते हैं? र्यूमिनेंट्स कहलाते हैं. आंसर होगा ए, र्यूमिनेंट्स. क्वेश्चन नंबर 8, द र्यूमिनेंट्स हैव डैश कैविटीज इन देयर स्टमक. र्यूमिनेंट्स की स्टमक में कितनी कैविटीज होती हैं? आंसर विल बी 4, ठीक है, 4, सी ऑप्शन है. ड्यूमिनेंट्स हैव 4 कैविटीज इन देयर स्टमक. नेक्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स देखेंगे. फर्स्ट, एनिमल्स आर हेटरोट्रॉपिक इन नेचर. एनिमल्स कैसे होते हैं? हेटरोट्रॉपिक होते हैं. सेकंड, पैरामीशियम हैज हेयर लाइक प्रोजेक्शंस कॉल्ड. पैरामीशियम में हेयर लाइक कुछ प्रोजेक्शंस होते हैं, उन हेयर लाइक प्रोजेक्शंस को सीलिया कहा जाता है. थर्ड इज डैश इज अ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म. यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कौन है? अमीबा. आंसर क्या होगा, अमीबा. फोर्थ इज एन एंजाइम कॉल्ड डैश इज प्रेजेंट इन सलाइवा. सलाइवा में कौन सा एंजाइम प्रेजेंट होता है? आंसर विल बी टाइलिन, TYLIN, टाइलिन. 5, इंसाइजर्स हेल्प इन. इंसाइजर्स किस में हेल्प करते हैं? कटिंग एंड बाइटिंग ऑफ फूड. 6, डैश एंड डैश आर यूज टू ग्राइंड द फूड. फूड को ग्राइंड करने के लिए कौन सा टीथ यूज होता है? तो यहाँ पे है मोलर एंड प्री मोलर आर यूज टू ग्राइंड द फूड. 7, अ डैश हेल्प्स इन रोलिंग एंड पुशिंग द फूड. आंसर विल बी टंग. 8,
ऑल द एनिमल्स हू च्यू कड आर कॉल्ड रूमिनेंट्स. दिस इज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो. थैंक यू.